नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। जून इन्फ्लेशन डेटा जारी होने से पहले वर्चुअल डिजिटल एसेट बड़े पैमाने पर जोखिम में थे, जिससे इन्वेस्टर्स को आगे चलकर फेडरल रिजर्व के मॉनेटरी स्टांस का पता लगाने में मदद मिलेगी। एनालिस्ट ने कहा कि लिक्विडिटी फ्लो निर्धारित करने के लिए ये महत्वपूर्ण है। पिछले 24 घंटों में VDA में स्थिर मूल्य उतार चढ़ाव देखा गया, जिसमें छोटे लिक्विडेशंस की तुलना में थोड़े अधिक लंबे लिक्विडेशंस का सामना करना पड़ा। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन ने एक नैरो रेंज में ट्रेड करना जारी रखा है। सबसे पुरानी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन हाल ही में 0.51% की बढ़त के साथ $30,561.75 पर ट्रेड कर रही थी। इथेरियम, दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी, अभी भी $1,900 का मार्क पार करने के लिए संघर्ष कर रही है। पिछली बार ये 0.02% की गिरावट के साथ $1,878.59 पर ट्रेड करती दिखाई दी थी। सोलाना के SOL, डिसेंट्रलैंड के नेटिव टोकन माना और कार्डानो के ADA सहित अन्य प्रमुख क्रिप्टो काफी हद तक मेंटेन्ड थे या सकारात्मक रुख बनाए रखा, जो क्रमशः 3.7% और 2% से अधिक बढ़ गए। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.21% बढ़कर $1.19 trillion हो गई। दूसरी ओर टोटल क्रिप्टो मार्केट की वॉल्यूम 17.7% गिरकर $26.96 billion हो गई। DeFi में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.09 billion है और सभी स्टेबल कॉइन अब $24.64 billion है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट 24 आवर की वॉल्यूम का क्रमशः 7.73% और 91.39% का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 49.94% है, जो दिन भर में 0.06% की बढ़त है। IC15 इंडेक्स के टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 0.37% बढ़कर 40,438 पर पहुंच गया। इस बीच एनालिस्ट को चौथी तिमाही में BTC की कीमतों में सुधार की उम्मीद है, लेकिन 2024 तक फुल बुल मार्केट नहीं बन सकती है। जो दरों में बढ़ोतरी की समाप्ति BTC की हाविंग और रेगुलेटरी स्टॉर्म्स के सोल्यूशन पर निर्भर होगा। हालांकि कुछ एनालिस्ट ने हाल के स्टैंडर्ड चार्टर रिपोर्ट से दूरी बना ली है, जिसमें बताया गया है कि बिटकॉइन अगले साल के अंत तक $120,000 तक पहुंच जाएगा। ये एक ऊंची प्रेडिक्शन बनी हुई है। एनालिस्ट का प्राइस फोरकास्ट पर मतभेद हो सकता है, लेकिन एक बात जिस पर वे सहमत है, वे 2024 के लिए होराइजन पर बुल मार्केट है। इंटरफाई ब्लॉकचेन सिक्योरिटी ऑडिटर्स ने हाल ही में शिप टोकन के ऑफिशियल पार्टनर बैड आइडिया AI चैटबॉट पर एक स्टडी पब्लिश की। सिक्योरिटी ऑडिट मैनुअल कोड रिव्यू और ऑटोमेटेड एनालिसिस दोनों का उपयोग करके किया गया था। सेंट्रलाइज्ड एक्सप्लॉइट्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के फ्लॉज के लिए सभी सॉलिडिटी कोड की जांच की गई। आर्टिकल के अनुसार इंटरफाई ने पुष्टि की कि सॉलिडिटी कोड में कोई सीरियस फ्लॉज नहीं है। जब क्रिप्टो कॉइन्स की बात आती है तो एक्सप्लॉइटेशन के प्रति हाई रेजिस्टेंस एक बड़ा लाभ है, खासकर AI, ब्लॉकचेन और DAOs के एम्बिशियस मिक्स में। बैड आइडिया AI की नेटिव क्रिप्टोकरेंसी बैड ने ट्विटर पर क्रिप्टो हस्तियों के बीच पॉपुलैरिटी हासिल की है। चैटबॉट डिस्कॉर्ड पर शिबा इनू कम्युनिटी के लिए शिबोशी ब्रीडिंग मैकेनिज्म का सुझाव देता है। बैड का ट्रेड शिब स्वॉप पर किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर ट्रेड यूनिस्वॉप पर होता है, जो मौजूदा वॉल्यूम का 98% है। क्रिप्टोकरेंसी को हाल ही में 12.3 मिलियन मंथली विजिटर्स के साथ 29वें सबसे बड़े एक्सचेंज बिटमार्ट पर लिस्ट किया गया था। ऑन चेन डेटा के अनुसार बिटकॉइन ट्रांसफर वॉल्यूम FTX गिरावट के निचले स्तर से 75% अधिक स्तर पर पहुंच गया है, क्योंकि ये लगातार बढ़ रहा है। टर्म ट्रांसफर वॉल्यूम ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन में शामिल USD में बिटकॉइन की टोटल अमाउंट को संदर्भित करता है। जब इस मेजर की वैल्यू अधिक होती है तो ये इंगित करता है कि होल्डर्स नेटवर्क के चारों ओर लार्ज अमाउंट में कॉइन्स मूव कर रहे हैं। सामान्य तौर पर ऐसा पैटर्न इंगित करता है कि ट्रेडर्स मार्केट में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। ग्लासनोट की मोस्ट रीसेंट वीकली रिपोर्ट के अनुसार BTC ट्रांसफर की वॉल्यूम बढ़कर $4.2 billion प्रति दिन हो गई है। बिटकॉइन ट्रांसफर वॉल्यूम इंडिकेटर एंटिटी एडजस्टेड है, जो इंडिविजुअल एड्रेसेस के बजाय नेटवर्क पर अलग अलग एंटिटीज के बीच एक्सचेंज की गई वॉल्यूम पर ध्यान केंद्रित करता है। एक एंटिटी एक ही इन्वेस्टर द्वारा कंट्रोल्ड एड्रेसेस का एक कलेक्शन है और वॉल्यूम से पर्सनल वॉलेट ट्रांसफर को बाहर करना रेलिवेंट नहीं है। ट्रांसफर वॉल्यूम में वृद्धि BTC के लिए एक सकारात्मक संकेत है, जो इन्वेस्टर के बीच बढ़ती रुचि का संकेत देते हैं। हालांकि 2021 के बुल रन की तुलना में संकेतक के वर्तमान मूल्य काफी कम है। रोडियो फाइनेंस, एक आर्बिट्रम बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस टेक्नोलॉजी पर 11 जुलाई को $1.53 मिलियन का
हमला किया गया था। डीफाई प्रोटोकॉल के ओरेकल में कोडिंग वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया गया था, जिसकी वजह से 810 से अधिक ईथर का नुकसान हुआ है। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म पेक्शील द्वारा जारी डेटा के अनुसार एक्सप्लॉइटर ने बाद में आर्बिट्रम से इथेरियम में चुराई गई एसेट को ब्रिज कर दिया और UNSH ETH के लिए 285 ETH को स्वॉप किया। ETH को बाद में एक्सप्लॉइटर्स द्वारा ETH2 स्टेकिंग पर जमा कर दिया गया। अंत में एक्सप्लॉइटर्स ने चुराए गए ETH को टोर्नेडो कैश के माध्यम से भेजा, जो एक प्रमुख मिक्सर सर्विस है जिसे एक्सप्लॉइटर अक्सर ट्रांजैक्शन के ट्रेल को छुपाने के लिए एग्जिट रूट के रूप में उपयोग करते हैं। एक्सप्लॉइटर ने एसेट की एवरेज प्राइस और मार्केट वॉलिटिलिटी फ्लक्चुएशंस के उतार चढ़ाव को कम करने के लिए डीफाई प्रोटोकॉल में टाइम वेटेड एवरेज प्राइस ओरेकल मैनिपुलेशन का उपयोग किया। डैप रैडर के एक नए एनालिसिस के अनुसार टॉप सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस को टारगेट करने वाले रेगुलेटरी मूव्स के बावजूद जून में वेब 3 एक्टिविटी में वृद्धि हुई। रिपोर्ट के अनुसार जून में डेली बेसिस पर लगभग 2 मिलियन वॉलेट्स डैप से जुड़े, जो मई की तुलना में 1.4% अधिक हैं। जहां वेब 3 गेमिंग ने 36% यूजर्स के साथ अपनी बढ़त बनाए रखी, वहीं DeFi 14% की वृद्धि के बाद 35% के साथ दूसरे स्थान पर रहा। टॉप 10 सबसे पॉपुलर डैप्स में से 6 डीफाई इंडस्ट्री से हैं। डैप रैडर के अनुसार बढ़ते उपयोग का कारण एयरड्रॉप हंटर्स द्वारा लेयर 2's ZK सिंक एरा और स्टार्कनेट पर ट्रांजैक्शन को बढ़ाना, साथ ही क्रॉस चेन ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी लेयर 0 है। बड़े डैप सेक्टर में यूजर्स में वृद्धि के बावजूद इथेरियम पर एक्टिव वॉलेट की संख्या जून में 50% गिरकर 77,000 हो गई। डैप रैडर ने इस गिरावट के लिए NFT एक्टिविटी में भारी गिरावट को जिम्मेदार ठहराया। इथेरियम अब यूनिक एक्टिव वॉलेट्स के मामले में 6 स्थान पर है, जो मई के बाद से 2 स्थान फिसल गया है। दुबई स्थित वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक पॉपुलर वर्चुअल एसेट प्लेटफॉर्म बिटओएसिस के खिलाफ चल रहे सुपरवाइजरी कंट्रोल्स और एनफोर्समेंट मेजर्स के बारे में एक मार्केट नोटिस जारी किया है। इस सलाह का उद्देश्य इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स को चेतावनी देना है। बिटओएसिस को 12 अप्रैल 2023 को एक कंडीशनल MVP लाइसेंस प्रदान किया गया, जिससे 30-60 डेज की टाइम फ्रेम के भीतर मार्केट ऑपरेशंस की अनुमति मिल गई। हालांकि प्लेटफॉर्म शर्तों को पूरा करने में विफल रहा, जिसके कारण वारा को नियामक कार्रवाई करनी पड़ी, जिसकी वजह से MVP ऑपरेशनल लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। और इंस्टीट्यूशनल और क्वालिफाइड रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बिटओएसिस का लाइसेंस वर्तमान में इन शर्तों के पूरा होने तक नॉन ऑपरेशनल है। रेगुलेटरी कंप्लायंस सुनिश्चित करने और रेमिडियल एक्शंस को पूरा करने के लिए वारा बिटओएसिस की स्थिति की बारीकी से निगरानी करेगा। ये किसी लाइसेंस प्राप्त कंपनी के खिलाफ पहली नियामक कार्रवाई है, जो दुबई के वर्चुअल एसेट इंडस्ट्री में एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बनाए रखने के लिए वारा की प्रतिबद्धता का संकेत देती है। वारा का प्रोएक्टिव अप्रोच इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और मार्केट स्टेबिलिटी पर जोर देता है। कंपनी ने 18 अप्रैल को सुजू काइल डेविस, OPNX के को फाउंडर्स और प्लेटफॉर्म के CEO को एक लिखित चेतावनी जारी की। जब कोस्टा रिकन के लॉ मेकर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, तो उन्होंने ChatGPT से उसके लिए ऐसा करने के लिए एक नया कानून लिखने के लिए कहा। कांग्रेस के मेंबर्स ने चैटबॉट को एक वकील की तरह सोचने और कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कानून डिजाइन करने का निर्देश दिया। फिर उन्होंने रिजल्टिंग टेक्स्ट को लेजिस्लेशन को वर्बटिम ट्रांसमिट कर दिया। ChatGPT ने सुझाव दिया कि कोस्टा रिका अकाउंटेबिलिटी, एक्सप्लेनेबिलिटी, बायस प्रिवेंशन और ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के कॉन्सेप्ट के आधार पर AI सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए एक एंटिटी स्थापित करे। बिल मई में पेश किया गया था, लेकिन कांग्रेस में मॉडिफिकेशंस और एडिशनल डिबेट के लिए पार्लियामेंट्री कमीशन को भेजे जाने से पहले इस पर सार्वजनिक रूप से डिबेट चल रहा था। कोस्टा रिका पिछले साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नियंत्रित करने वाले कानून पर डिबेट करने या पास करने वाला 9वां लैटिन अमेरिकी देश है। कॉइनबेस ग्लोबल इनकॉर्पोरेशन के इन्वेस्टर्स को फिलहाल रेगुलेटरी थ्रेट्स का सामना नहीं करना पड़ रहा है। 6 जून को 2023 के न्यूनतम स्तर के बाद से शेयर्स में लगभग 80% की तेजी आई है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने सिक्योरिटीज लॉ वायलेशन के आरोप में एक्सचेंज के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। SEC ने कॉइनबेस पर कम से कम 2019 से क्रिप्टो एसेट सिक्योरिटीज की बाइंग और सेलिंग को गैरकानूनी रूप से सुविधाजनक बनाने का आरोप लगाया है। ये मुद्दा 2020 से चल रहा है। इस साल क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग वॉल्यूम में गिरावट आई है, जिसका असर कॉइनबेस की ट्रांजैक्शन फीस पर पड़ा है। बिटकॉइन की स्पॉट प्राइस 70% से अधिक बढ़ गई है, जबकि ईथर 45% से अधिक बढ़ गया है। कॉइनबेस कई क्रिप्टोकरेंसी
करेंसी में डील करता है, लेकिन 2022 फाइनेंशियल्स के अनुसार बिटकॉइन और ईथर सभी ट्रेड्स में आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं। इन्वेस्टर्स की तेजी की भावना दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर ब्लैकरॉक के साथ पोटेंशियल टाइप से उपजी है, जिसका लक्ष्य अपने बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को SEC द्वारा अप्रूव कराना है। इस प्रोसेस में कॉइनबेस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि ब्लैकरॉक के पहले एप्लीकेशन को अनरेगुलेटेड क्रिप्टो मार्केट्स में चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस है। इंडियन मर्चेंट्स के लिए लोकल बैंक अकाउंट्स, गूगल पे जैसी सर्विसेज और यहां तक कि कैश के माध्यम से फाइनेंशियल ट्रांसफर स्वीकार करके रुपए में ट्रांसफर करना आसान बना रहा है। जबकि इंडियन रेगुलेटर्स ने इस ट्रांजैक्शन पर ध्यान दिया है, पेपर में कहा गया कि बाइनेंस कानूनी रूप से किसी भी नियम को नहीं तोड़ रहा है, क्योंकि उसके पास रुपी बैंक अकाउंट नहीं है और पूरी तरह से क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर के लिए एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी के रूप में कार्य करता है। दूसरी ओर लोकल ट्रेडर्स जो बाइनेंस का उपयोग करते हैं, वे एक्सचेंज कंट्रोल और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस का उल्लंघन कर सकते हैं। बाइनेंस की पीयर टू पीयर सर्विस बायर्स और सेलर्स को पेमेंट ऑल्टरनेटिव्स का विकल्प प्रदान करती है, जिसमें कैश डिपॉजिट टू बैंक और कैश इन पर्सन शामिल है। लोकल क्रिप्टो प्लेयर्स ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक को एक वीडियो दिखाया है, जिसमें बाइनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज को दर्शाया गया है, जिसमें इंडिया बेस्ड डिजिटल वॉलेट का उपयोग करके भुगतान पूरा किया गया है। बिटस्टैम्प और लंदन बेस्ड क्रिप्टो कॉमर्स बिजनेस QI डिजिटल के बीच एक नए समझौते की घोषणा के बाद कंपनीज, बैंक्स और पेमेंट प्रोवाइडर्स दुनिया के सबसे पुराने चल रहे क्रिप्टो एक्सचेंज बिटस्टैम्प पर स्टोर्ड बिटकॉइन को रेगुलर पेमेंट के रूप में लाने में सक्षम होंगे। यूनाइटेड किंगडम, यूरोप, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के बिजनेसेस QI के क्रिप्टोकरेंसी पेमेंट प्लेटफॉर्म के साथ बिटस्टैम्प की क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज और सेटलमेंट सर्विस को एकीकृत करके क्रिप्टोकरेंसी पेमेंट स्वीकार करने में सक्षम होंगे। QI गुड्स एंड सर्विसेज के लिए डिजिटल वॉलेट पेमेंट्स प्रदान करता है, जो बिजनेस कस्टमर्स को ई कॉमर्स क्रिप्टो एट चेकआउट एक्सपीरियंस के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाता है। बिटस्टैम्प एक रेगुलेटेड क्रिप्टो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को QI के बिजनेस कस्टमर्स के बैंक अकाउंट्स में कन्वर्ट करता है। QI बैंक्स और अन्य पेमेंट प्रोसेसेस को बिटस्टैम्प के साथ सीमलेस कनेक्टिविटी प्रदान करता है, जो एंड कस्टमर्स को डिजिटल एसेट प्रदान करता है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV और ज्यादा अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3wordstv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।